कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। वजह है राहुल गांधी का अलग अंदाज। राहुल गांधी कभी मेट्रो के अंदर आम लोगों के बीच बैठे हुए नजर आ जाते हैं, तो कहीं छोटे से रेस्टोरेंट में आम लोगों के साथ खाना खाते हुए राहुल गांधी दिख जाते हैं। और राहुल गांधी का यही अंदाज लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। न सिर्फ पसंद आ रहा है बल्कि इसी वजह से राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। इसी बीच बिहार में राहुल गांधी के साथ एक ऐसी घटना घट गई कि राहुल गांधी घायल होने से बाल बाल बच गए। और अब इस घटना की हर तरफ चर्चा हो रही है, बल्कि इस घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहिला। हुआ ये कि बिहार में राहुल गांधी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। राहुल गांधी जैसे ही मंच पर पहुंचे तो अचानक से मंच धंस गया और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन इसी बीच मंच पर ही मौजूद मीसा भारती ने राहुल गांधी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें सुरक्षित ले जाने की उन्होंने काफी कोशिश कर डाली। राहुल गांधी पटना के पालीगंज में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे और राहुल गांधी मीसा भारती के साथ साथ तेजस्वी यादव भी मंच की तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन अचानक से ही मंच धस गया। हालांकि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मंच टूटा नहीं था, ऊपर से धस गया था। राहुल और मीसा ने एक दूसरे का हाथ थामकर सहारा दिया। इसी बीच राहुल के सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौके पर आ गए, लेकिन राहुल ने उन्हें इशारा कर दिया और बताया कि वो बिल्कुल ही ठीक है, उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद राहुल गांधी ने हाथ हिलाकर जनता की तरफ इशारा किया और इशारों इशारों में राहुल गांधी ने जनता को यह भी बताया कि ऑल इज वेल, यानी कि वो ठीक है और कोई दिक्कत उन्हें बिल्कुल भी नहीं आई है। इसके बाद राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव को बब्बर शेर बता दिया। साथ ही राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब। राहुल ने आगे कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 10 साल में कुछ नहीं किया, यानी कि सारे इशारों में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये संविधान का चुनाव है। बीजेपी वालों ने कहा है कि वो यानी कि इस संविधान को फाड़कर फेंक देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि भारत में 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये राहुल गांधी ने दावा किया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन हर तरफ राहुल गांधी के मंच धसने की चर्चा ही हो रही है और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ये वीडियो वायरल हो रहा है और हर तरफ यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बाल बाल बच गए। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी के अलग अलग अंदाज देखने को मिले हैं, उन्हें जनता ने काफी पसंद भी किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये लोग वोटर में कितना तब्दील हुए होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।